नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मीठी सेवइयाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सेवई। ये थोड़ी सी मोटी वाली सेवई है, ये देखिए, एक इससे बहुत पतली आती है, वो वाली नहीं है, मोटी वाली है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें 2 मिनट इसको फ्राई करना है घी में। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तब तक इसको फ्राई करना है। अगर बिना फ्राई किए हुए आप सेवई बनाते हैं तो सेवई का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, सेवई कम हलवा ज़्यादा बन जाता है। वो सेवई हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, अभी थोड़ी देर बस इसको और चलाते हैं। सेवई घर में खाने में सबको पसंद आता है। इस तरीके से बनाएंगे तो 5 मिनट के अंदर ही सेवई फटाफट बन के तैयार हो जाती है। घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है सेवई में, जैसे काजू है, बादाम है, दूध, चीनी, इलायची। तो हमारी सेवई भुन चुकी है, अब हम दूसरा पैन चढ़ाएंगे। इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे, इससे सेवई नीचे चिपकेगी नहीं पैन में, पानी डालना ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 कप दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसको बॉईल करने का वेट करेंगे, जब तक उबाल नहीं आ जाता। तो दूध में दिख रहा होगा उबाल आ गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर जाएगा, इससे फ्लेवर चेंज हो जाता है, खाने में खुशबू बहुत आती है सेवई में। अब यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच चीनी जाएगी। मीठा अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको चलाना ज़रूरी है चीनी डाल के दूध में, नहीं तो चीनी नीचे बैठ के तले में लग जाती है। और देखिए दूध अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। तो अब इसमें जाएगा जो हमने भून कर रखा था सेवई। चीनी मेल्ट हो गई है, अब सेवई डाल दिया हमने, इसको भी अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये खास बातों का ध्यान रखना है, चीनी डालें तब भी चलाएं। अब यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच चिरौंजी जाएगी, जो सेवई की जान है। सेवई या खीर में डालना ज़रूरी होता है। और 4 से 5 काजू है, 4 से 5 बादाम जिसे हमने काट लिया है, और इसे भी डाल देते हैं। अब एक बार अच्छी तरीके से चला देंगे और इसको पकने देंगे। तो देखिए सेवई अच्छी तरीके से पक चुकी है, सेवई दूध को एब्जॉर्ब कर ली है। इसे गैस बंद करके ढक देते हैं। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म सेवई बन के तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। अब इसको इसमें हम थोड़ा सा पिस्ता लगा देते हैं, डाल देते हैं, काट के रखे थे, थोड़ा सा इसको सजा बजा देते हैं। तो लग रही है एकदम टेम्प्टिंग से वहीं। बाय बाय दोस्तों।